ਵੇਵ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀਲਾਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੰਘਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। पहले मैच दे विच दूजे क्वार्टर तो ही खालसा वारियर्स ने लीड लैनी शुरू कर दिती ते तीजे क्वार्टर दे विच जित नू खालसा वारियर्स ने काफी नज़दीक ले आंदा सी। अंत विच खालसा वारियर्स दी यूनाइटिड सिंघ नूं 57-50 अंकां दे नाल जित दर्ज कीती। इस मैच दे विच खालसा वारियर्स दे मनजोत सिंह नूं मैन ऑफ द मैच ते खालसा वारियर दे गुरप्रीत सिंह नूं सर्वोत्तम जाफी दे खिताब नाल सन्मानित कीता गया। इस मौके ते जेतू टीम दे खिडारियां ने अपनी खुशी दा प्रगटावा करदिआं कहा, साढ़े सारे प्लेयर बहुत सोहना मैच गेम दिखाई थे, ये मैच जित लिया। ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 8 ਮੈਚ ਖੇਡ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ?
सत्त मैच जित गए, एक टाई मैच हो गया। अज का मैच बहुत सोहना सी, मैच उधर भी प्लेयर बहुत वधिया सी, संदीप हुणी और सारे प्लेयर बहुत वधिया, बहुत वधिया मैच लगे। पिंडां च खेडी जाण वाली यह खेड कबड्डी अज अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पहुँच चुकी है, जिसकी संसार भर के चर्चा है। इस मौके पर गलबात करदिआं वख-वख हस्तियां ने कहा, जिहड़ा इस वेले लीग सिस्टम शुरू किया वा गवर्नमेंट ने जां प्रगट जी ने, यह बहुत वधिया गल आ कबड्डी वास्ते, कोई नवा कंसैप्ट आ गया। साडा मेरा जिदा जिंदगी दा ड्रीम सी इक कि असी लाइटां थल्ले चीयर लीडरस ते टीवी दे आईए, वो आ गया हुण, राइट। अज हुण आपां नूं लोड़ हैगी इहनूं होर थोड़ा जिहा चक्कीए, थोड़ा होर इहदे प्रैक्टिकल करिए, थोड़ा जिहा इहनूं प्रोफेसनल होर कर दईए कबड्डी नूं, फिर आपां बाकी गेमां वांग आपां हो जाएंगे। क्योंकि जिहड़ी पिंडां दी गेम है, जिहड़ी साडी हैगी मां खेड गेम, वह चकती है इस वेले, राइट। बहुत वधिया गल आ और इनू कैरी रखना चाहिए वा गांह दी गांह, और जिन्हें भी कबड्डी वाले आ, जिन्हें कबड्डी नूं प्यार करते आ, सारे देखण भी आओ ते साडी सपोर्ट भी करो। ये लीग जिहड़ी आ ये इंग्लैंड दे विच शुरू होके कनेडा होर वख-वख देशां दे विचों हुंदी, अज इंडिया दे विच आ और पाकिस्तान विच भी खेडी जाणी आ। और इहदे नाल जो सुपना है साडी सरकार दा कि असीं कबड्डी नूं ओलंपिक्स दे विच लै के जाणा, उह किते ना किते साकार हुंदा नज़र आ रिहा। बड़ी खुशी है कि पंजाब दे गभरू चाहे वख-वख क्लबां दे विच विदेशां विच भी वसदे आ, उन्हें अपने क्लब बना के इनू सारी कबड्डी प्रफुल्लित करने लिए बहुत बड़ा योगदान पाया। दूजा मैच वैनकूवर लायंस ते लाहौर लायंस दरमियान खेडिया गया। मोहम्मद खान।
लाहौर लायंस ने करिश्माई ढंग के नाल वैनकूवर लायंस से 55-54 के अंकों नाल जित दर्ज की। लाहौर टीम के शफीक अहमद नू मैन ऑफ द मैच से वैनकूवर लायंस के गगनदीप सिंह नू सर्वोत्तम जाफी के खिताब नाल सन्मानित किया। इस मौके पर गलबात करते हैं लाहौर लायंस टीम के खिडारी ने कहा, ये टूर्नामेंट हमारे लिए काफ़ी बेटर था और हमें बैड लक थी कि हमारे 2-3 प्लेयर्स नहीं आए, जिनकी वजह से हमें इतनी दुश्वारी से ये मैच जीतना पड़ रहा है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह अगली दफ़ा हमारे पाकिस्तान के जो 3-4 प्लेयर्स हैं और हमारे कप्तान भी इंजर्ड थे और इस दफ़ा अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल फिट होंगे और इंशाल्लाह हम ये लीड से मैच जीतेंगे। ये मैच तो हमारे लिए ऐसे था जैसे इनके जंग होती है और ये जंग में तो दोनों फ्रीक एक जैसे बन के आते हैं और इसमें यह नहीं कहा जा सकता कौन सही है, कौन ज़्यादा भारी है और कौन हल्का है। और हमारे लिए ये मुल्क, हमारे लिए ये टीम ऐसे ही टफ थी कि हमारी सोच से ज़्यादा इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और हम खेले भी हैं और हमारी टीम ने भी और हमारे प्लेयर ने भी अच्छा परफॉर्म किया। मैच हमारे ऐसे ही है जैसे नींद के किसी इंसान को भूखे को रोटी मिल जाना इतना ही है। ये हमारे लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम कल लूज़ किए थे मैच, आज इसलिए हमें आज विन करना चाहिए था और वो हमने इंशाल्लाह किया। और इसकी सेलिब्रेशन तो आप देख ही रहे हैं कि कैसी हो रही है हमारी टीम के दरमियान।